एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अल्काइल हैलाइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं और इनका फॉर्मेशन यानी कि इनकी प्रिपरेशन कौन कौन से मेथड से कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो अल्काइल हैलाइड है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। इनको हम हेलो एल्केन भी बोलते हैं, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले अगर हम इनकी स्टेट की बात करें कि जो अल्काइल हैलाइड होते हैं उनकी स्टेट की अगर हम बात करें, तो आप फर्स्ट पॉइंट डालेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में, दैट इज स्टेट। यहाँ हम बात करेंगे अल्काइल हैलाइड की स्टेट के बारे में कि उसकी स्टेट कैसी होती है। तो देखिए, अगर हम लोअर हेलो एल्केन्स की बात करें, यानी लोअर अल्काइल हैलाइड में हम क्या ले सकते हैं, जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं लोअर हेलो एल्केन, यानी कि लोअर अल्काइल हैलाइड की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, अल्काइल हैलाइड। देखिए, अगर हम लोअर हेलो एल्केन की अगर बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, जैसे कि हमारे पास है CH3Br C2H5Br, और हम ले सकते हैं CH3Cl, और हम ले सकते हैं C2H5Cl। ये क्या है हमारे पास, ये लोअर हेलो एल्केन्स हैं। तो ये होते हैं गैसेस, दीज आर गैसेस। देखिए, कहने का मतलब ये है कि अगर जब हम इनकी स्टेट की बात कर रहे हैं तो जो लोअर हेलो एल्केन्स होते हैं, जो लोअर अल्काइल हैलाइड होते हैं, यानी जैसे CH3Cl CH2 C2H5Br C2H5Cl, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी होते हैं गैसेस। अगर हम बात करें इनके अलावा कि जो हायर हेलो एल्केन्स होते हैं वो क्या होते हैं, अभी तक हमने बात किया कि लोअर हेलो एल्केन्स जो होते हैं वो गैसेस होते हैं, और लोअर हेलो एल्केन में हमने इनको कुछ एग्जांपल्स को इंक्लूड कर लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हायर हेलो एल्केन्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो आपको नोट करना है कि जो हायर हेलो एल्केन्स होते हैं वो या तो लिक्विड हो सकते हैं या सॉलिड हो सकते हैं, यानी आपको लिखना है हायर हेलो एल्केन्स आर, वो क्या होते हैं, वो लिक्विड होते हैं या सॉलिड होते हैं, आर लिक्विड और मे बी लिक्विड और सॉलिड होते हैं जो हायर हेलो एल्केन होते हैं। तो अगर हम जो यहाँ पे हमने बात की इसकी स्टेट की, तो स्टेट में क्या देखना था कि जैसे लोअर हेलो एल्केन्स हैं, जैसे CH3Cl CH3Br, ये सभी क्या हैं, ये सभी गैसेस होते हैं। और अगर हम बात करें हायर हेलो एल्केन्स की, हायर अल्काइल हैलाइड की, तो वो क्या है, वो लिक्विड या फिर सॉलिड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए, सेकंड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे इनके कलर के बारे में कि ये जो हेलो एल्केन्स होती है इनका कलर कैसा होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने नोट कर लिया स्टेट, सेकेंड वी विल डिस्कस कलर। तो कलर की अगर हम बात करें अल्काइल हैलाइड के कलर की, तो आपको सेकेंड पॉइंट डाल के लिखना है कलर में आपको लिखना है कि ये जो हमारे हेलो एल्केन्स होते हैं, ये जो सभी हेलो एल्केन्स हैं वो कलरलेस होते हैं इन प्योर स्टेट, यानी प्योर अल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं। प्योर सिचुएशन में जब भी होंगे वो, तो उनका कोई कलर नहीं होगा, वो कलरलेस होंगे। तो क्या लिखना है आपको, प्योर अल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस। जो प्योर अल्काइल हैलाइड्स होंगे, प्योर अल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस, यानी जब प्योर होंगे वो, जब वो अपनी प्योर फॉर्म में होंगे तो वो क्या होंगे, हैलाइड्स आर कलरलेस, उनका कोई कलर नहीं होगा, वो कलरलेस होंगे। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है, अगर हम ब्रोमाइड और आयोडाइड की बात करें, ब्रोमाइड और आयोडाइड के केस में थोड़ा सा अलग है, तो आपको लिखना है हाउएवर, यानी ब्रोमाइड और आयोडाइड के केस में क्या है, जब भी इनके ऊपर लाइट गिरती है तो लाइट में ब्रोमाइड और आयोडाइड क्या करते हैं, ये कलर शो करते हैं। तो आपको लिखना है हाउएवर ब्रोमाइड एंड आयोडाइड शोज कलर इन लाइट, हाउएवर ब्रोमाइड एंड आयोडाइड शोज कलर, यानी कलर दिखाते हैं ये, सोज कलर इन लाइट। देखिए, यहाँ पर जो लाइट है ये सनलाइट भी हो सकती है और ये नॉर्मल लाइट भी हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इनके कलर की बात कर रहे हैं, तो जो अगर ये प्योर स्टेट में है, यानी प्योर अल्काइल हैलाइड, तो कलरलेस होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि प्योर अल्काइल हैलाइड जब भी होंगे उनका कोई कलर नहीं होगा, वो कलरलेस होंगे।
जबकि अगर हम ब्रोमाइड और आयोडाइड की बात करें तो ये क्या है, ये जैसे ही लाइट में आते हैं यानी जैसे ही इनके ऊपर लाइट आती है तो ये लाइट में ना कलर शो करते हैं। कलर जैसे लाइट है, जैसे सनलाइट हो सकती है, नॉर्मल लाइट हो सकती है, तो ये क्या करते हैं, ये कलर शो करते हैं। वैसे ये सभी प्योर अल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं। तो ये तो हमने बात की इसकी कलर की और इसके स्टेट के बारे में। अगर हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो थर्ड पॉइंट आपको लिखना है स्टेबिलिटी के बेस पे। थर्ड पॉइंट आपको लिखना है स्टेबिलिटी। देखिए अगर हम एल्काइल हैलाइड की स्टेबिलिटी की बात करें तो इनकी जो स्ट्रेंथ है यानी जो सी एक्स बॉन्ड है, जो सी एक्स, ये जो सी एक्स बॉन्ड है इसकी जो स्ट्रेंथ है, जैसे एक्स की जगह पे क्या है यहाँ पे हैलोजन, तो हैलोजन में क्या होता है कि जब डाउन द ग्रुप आते हैं यानी जैसे फ्लोरीन से फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, जब हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो एटम का साइज है यानी एटॉमिक साइज क्या होगा, एटम का साइज है वो इंक्रीज होता है। और जब एटम का साइज इंक्रीज होता है तो डाउन द ग्रुप आएंगे तो बॉन्ड की यानी ये मैंने लिखा है बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगी। कहने का मतलब यह है कि जब ये जो हैलोजन है हमारे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, जब इनमें डाउन द ग्रुप आएंगे, व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप, तो जो साइज है, जो एटम्स का साइज है वो इंक्रीज होगा। यहाँ पे ये साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एटम का साइज इंक्रीज होगा। एटम का साइज इंक्रीज होगा तो वहां पर जो बॉन्ड लेंथ है वो भी इंक्रीज होगी, और जब साइज इंक्रीज होगा और उसकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो जो उसकी स्टेबिलिटी है यानी कि जो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। कब डिक्रीज होगी, जैसे व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप तो जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस एंड द बॉन्ड लेंथ इज ऑल्सो इंक्रीजेस एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी वहां पे, डिक्रीज हो जाएगी। जैसे जैसे उसका साइज बढ़ेगा उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, और जब उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो उसकी जो बॉन्ड की जो स्टेबिलिटी है, जो उसकी स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो यही चीज आपको लिखनी कैसे है, अगर हम इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो जैसे सी एक्स बॉन्ड है तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी की बात करें तो इसकी होगी, फिर सी सी एल की होगी, फिर सी 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 बी आर बॉन्ड की होगी, सी बॉन्ड बी आर की होगी, देन सी आई की होगी। तो ये है इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब इनके स्टेबिलिटी ऑर्डर में आपको लिखना कैसे है, ये तो हमने लिखी सी एक्स की बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पर है, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ स्टीआरडीएन जीटीएच, ये क्या है, ये है बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर हुई कि अगर हम इस बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे ज्यादा इसकी होगी, देन इसकी होगी, देन इसकी होगी, देन इसकी होगी, सबसे ज्यादा इसकी, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ऐसे क्यों हो रहा है, बिकॉज वी व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस एंड बॉन्ड लेंथ ऑल्सो इंक्रीजेस, और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो रही है। तो जैसे मैं यहाँ पे आपको लिखवा देती हूँ ताकि आपको याद रहे, बिकॉज व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप the size of atom increases, जो atom का जो size है वो क्या होगा, atomic size वहाँ पे increase होगा, the size of atom increases and bond length is also increases, जो bond length है वो भी bond length also increases, जो bond length है वो भी increase होगी, also increases। अब जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी यानी कि जैसे बॉन्ड लेंथ है, जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, जैसे मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ, आप अगर इतना डेफिनेशन नहीं लिखना चाहें तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होगी, बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। समझ में आ गया आपको स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी में क्या समझना है, स्टेबिलिटी में समझना है कि जैसे जैसे ग्रुप में डाउन द ग्रुप आते हैं, तो डाउन द ग्रुप आते हैं तो जो एटम का साइज है वो इंक्रीज होता है, और एटम का साइज इंक्रीज होता है तो उसकी बॉन्ड की लेंथ भी इंक्रीज होती है, और जब उसकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको अभी ये लिखवाया कि इसका ऑर्डर कैसे होगा। मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे लिखवाती हूँ, मैं इसको रेज करती हूँ, देखिए मैं आपको एक और चीज़ लिखवाती हूँ यहाँ पे, वो ये है कि अगर हम सेम टाइप के अल्काइल ग्रुप लेते हैं, मैं स्टेबिलिटी वाले जो स्टेबिलिटी हमारी हेडिंग थी मैं उसी के अंदर बता रही हूँ उसको, फॉर द
सेम उसी में स्टेबिलिटी में ही लिखना है, उसी से रिलेटेड है ये, फॉर द सेम अल्काइल ग्रुप, फॉर द सेम अल्काइल ग्रुप, फॉर द सेम अल्काइल ग्रुप स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, यानी अगर हमारे पास अल्काइल ग्रुप सेम है तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, अल्काइल फ्लोराइड, उसके बाद अल्काइल फ्लोराइड का सबसे ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया शॉर्ट में अल्काइल, और यहाँ पे लिख दिया मैंने क्लोराइड, उसकी कम होगी, फिर अल्काइल ब्रोमाइड की उससे कम होगी, और इससे भी कम होगी अल्काइल आयोडाइड की। क्लियर हो आपको? ये कब होगा? ये तब होगा जब जो हमारा अल्काइल ग्रुप है वो सेम होगा, यानी यहाँ जो अल्काइल ग्रुप अटैच है वो सेम होगा, फॉर द सेम अल्काइल ग्रुप स्टेबिलिटी ऑर्डर, अगर अल्काइल ग्रुप सेम है तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर इस तरीके से होगा। और मैंने अभी आपको सी एक्स बॉन्ड में भी स्टेबिलिटी ऑर्डर कराया था, और ऐसा क्यों हो रहा है वो मैं आपको रीज़न भी लिखवा चुकी हूँ कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो उसकी जो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक का साइज, एटम का साइज इंक्रीज होता है, और साइज इंक्रीज होता है तो उसकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है, और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए नेक्स्ट मैं आपको लिखवाती हूँ, आपने इतना नोट पढ़ लिया होगा। देखिए अब मैं आपको बताती हूँ इसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो ये जो हमारी अल्काइल हैलाइड्स होती हैं जिनको हम हेलो एल्केन्स भी बोलते हैं, इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो इनके पैरेंट एल्केन से हायर होता है। पैरेंट एल्केन मीन्स क्या होता है? देखिए आपको सबसे पहले लिखना है, फिर मैं आपको समझाती हूँ। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड इज हायर देन करस्पॉन्डिंग पैरेंट एल्केन। देखिए मैं समझाती हूँ कि इसका मतलब क्या है। देखिए इस लाइन का मतलब ये है कि जो अल्काइल हैलाइड होते हैं उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो उनकी करस्पॉन्डिंग जो एल्केन है, जो उनकी जो पैरेंट एल्केन है उससे हायर होता है। पैरेंट एल्केन मतलब जिससे मिलकर के बने, जैसे CH4 है, ये क्या है? ये है पैरेंट एल्केन, और इससे क्या मिला, इससे क्या बना है? इससे बना है यहाँ पे हमें CH3Cl, यानी कि CH4 ये क्या थी? ये पैरेंट एल्केन थी, और बना क्या? CH3Cl, ये क्या है? ये अल्काइल हैलाइड है। तो पैरेंट एल्केन से अल्काइल हैलाइड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होता है। तो ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।